आज मैं आपको कई कलर से ब्लॉक्स बनाना सिखाऊंगी, जिनसे आप बेबी ब्लैंकेट या बड़ों के लिए ब्लैंकेट, टेबल मैट, कुछ भी बना सकती हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम थ्रेड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए। ये बनाने के बाद अब हम इस थ्रेड को यहाँ से लूप लेंगे। लूप लेके तीन चेन ले लेंगे, टाइट कर लेंगे पहले वाले लूप को। अब तीन चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2। ये 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशिया मानते हैं, इसलिए यहाँ मैंने 2 ही डाले हैं। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसमें आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये झूठ है कि ये स्क्रैप से बनता है, क्योंकि स्क्रैप इतना हमारे पास होता ही नहीं है। बड़ा ब्लैंकेट बनाने जाएंगे तो हमें 1 से 1.5 किलो ऊन लगता है। अब इतना स्क्रैप कहाँ से आएगा? हाँ, ये हो सकता है कि हम अलग अलग कलर के ऊन खरीदें और उनको अपने हिसाब से अरेंज करके बनाएं, जो एक खूबसूरत लुक देता है। देखिए, एक एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। यहाँ मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। और अब इस मैजिक रिंग का कमाल यहीं आता है, ये एकदम से छोटा सा छेद बनाएगा। टाइट कर दिया, छोटा छेद बन गया और यहाँ आपका स्क्वायर तैयार है। अब इसी स्क्वायर पर आपको आगे काम करना है। यहाँ मैंने पिंक ही कलर का एक और रो बनाऊंगी। इसके लिए मुझे स्लिप स्टिच से छेद, कॉर्नर वाले छेद में जाना पड़ेगा। 2 स्लिप स्टिच और ये तीसरी स्लिप स्टिच, 1 2 और 3 चेन। अब इस छेद में मुझे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया देना है। ये 1 और 2 चेन। अब वापस इसी छेद में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब फिर अगले चेन में जाएंगे सीधा, 1, बीच में कोई चेन नहीं है, 2, पूरे ब्लैंकेट को हम इसी तरह से बनाएंगे, 3 2 और फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से अगले चेन में जाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, 1 2 3। फिर अगली चेन में 1 2 3। आप इस बीच वाले स्क्वायर को चाहे जितना बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो और ये 3। ये होने के बाद स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। हर बार हमको यहाँ छेद तक आना है। ये जो हमने बीच में 2 चेन ली है, वहां तक आना है। हर बार हमको
तीन डबल क्रोशियास पे स्लिप स्टिच लेना पड़ेगी इस तरह से। अब आप चाहें तो यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहीं से आपको एल शेप बता देती हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा करने से बचने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। जब हम कलर चेंज करें तो हमेशा याद रखिए कि ये जो आखिरी वाला लूप है ये तो यहाँ से लें और अगला लूप हम अगले कलर का लें, तो कलर एकदम प्रॉपर चेंज होगा, वरना नीचे वाला कलर ऊपर उठ के आएगा। ये देखिए टाइट कर देंगे, ये चला गया। अब देखें यहाँ फिर से हम वो करेंगे, लेकिन अब की बार ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ तीन डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ, और अब तीन डबल क्रोशिया यहाँ बीच में बनेंगे। हम एक ही कॉर्नर बनाएंगे क्योंकि हम अपना कोना बना रहे हैं। ये पूरा ब्लैंकेट मैंने इसी तरह से बनाया है। अब यहाँ हम कॉर्नर बनाएंगे तो तीन डबल क्रोशिया और दो चेन, एक ही कॉर्नर बनेगा। यहाँ आए, फिर अब यहाँ फिर से तीन डबल क्रोशिया लेंगे। सिर्फ एक कॉर्नर बनेगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। दो, ये तीन, यहाँ से हम पलटेंगे, तीन चेन लेंगे और सीधा यहां डालेंगे, एक, दो, तीन, फिर सीधा यहां। तीन तीन डबल क्रोशिया लेते जाना है हर छेद में, सिर्फ कॉर्नर वाली जगह पर तीन डबल क्रोशिया और दो चेन लेनी। मेरे ख्याल से आपको भी क्लियर हो गया होगा। ये कॉर्नर बनाकर मैं आपको आधा बताती हूँ। ये दो, तीन, दो और ये तीन, इस तरह से ये कॉर्नर बनता चला जाएगा। अब यहाँ से आप फिर दूसरा कलर लगा लीजिए जिस तरह से मैंने किया है। मैं आपको बनाए हुए ब्लैंकेट का पीस बताती हूँ। इस तरह से हम चार टुकड़े बनाए मैंने, ये देखिए, ये सेंटर में ये रेड कलर यूज़ किया, फिर ग्रीन और फिर ये, ऐसे मैंने चार टुकड़े बनाए, दो इस कलर स्कीम में और दो इस कलर स्कीम में, अलग अलग कलर स्कीम दी। बीच में कहीं कहीं ऐसा कोशिश की कि एक लाइन बराबर बने। ये चारों टुकड़े रेड कलर से जोड़ने के बाद मैंने फिर ब्लैक कलर के छह रो ली, सेम स्टिच में छह रो ली ये ब्लैक कलर की। उसके बाद तीन रो मैंने अपने गोल्डन कलर की ली है। अभी मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा है आपको, ये छह, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सिक्स रोज ली हैं। उसके बाद 1, 2 एंड 3 ये लिए हैं। फिर यहाँ मैंने ये बॉर्डर दिया है। अब बॉर्डर गोल्डन कलर का ही दिया, मुझे पसंद है इसलिए। यहाँ मैं शुरुआत यहाँ से करें अपन, तो तीन चेन लिया और सेंटर में आए, माफ कीजिएगा, ये कॉर्नर है, कॉर्नर बनाते समय हमें एक चेन लेना है, सेंटर में आना है, एक, फिर दो, फिर चैन, ऐसे तीन चैन,
सकती हो। बेटी मैं इसमें 7 डबल क्रोशे डालूंगी और हर डबल क्रोशे के बीच में एक चेन। इस तरह से मैं ये अपना कॉर्नर बनाऊंगी। वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स, सेवन, फिर एक चेन। और अब ये जो छेद है यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशिया डालूंगी और 3 चेन लेकर आगे बढ़ेंगे। 3 चेन लिया, अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया फिर से डालेंगे। वेरी सिंपल बॉर्डर है, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया और फिर 3 डबल चेन के साथ 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, आप जरूर बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसका चाहें आसन बनाएं, चाहें टेबल मैट बनाएं, चाहें ब्लैंकेट बनाएं। अगर आपको बड़ों का ब्लैंकेट बनाना तो इस तरह से चौकोर बनाकर और यहाँ आप कुछ हिस्सा और बढ़ा दीजिए, दोनों तरफ, एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो आपका रेक्टेंगल ब्लैंकेट सिंगल बेड का बनेगा। सिंगल बेड के ब्लैंकेट की साइज होती है 4 फीट बाय 6.5 फीट। ये मैंने छोटे बच्चे का बनाया, तो 3 फीट बाय 3 फीट का चौकोर बनाया है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।